हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के सबटाइटल से हिंदी मीनिंग के साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शायद उनके आने में देर हो। सही। मे बी दे आर लेट टू अराइव। राइट। मे बी दे आर लेट टू अराइव। ये सभी जाम में फंसे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। ये सभी जाम में फंसे हुए हैं। All of them are stuck in a traffic jam. मैंने तुम्हें कहा था कोई नहीं आएगा। I told you no one will come. मैंने तुम्हें कहा था कोई नहीं आएगा। I told you no one will come. चाहे जो हो जाए, no matter what happens. चाहे जो हो जाए, no matter what happens. कुछ नहीं होगा सुन नीतू। नथिंग विल हैपन लिसन नीतू। कुछ नहीं होगा सुन नीतू। नथिंग विल हैपन लिसन नीतू। तुम खुद क्यों हंस रहे हो। व्हाई आर यू लाफिंग बाय योरसेल्फ। तुम खुद क्यों हंस रहे हो। व्हाई आर यू लाफिंग बाय योरसेल्फ। क्या किसी ने आपको चुटकुला सुनाया। लड़की बोलती है क्या किसी ने आपको चुटकुला सुनाया। लड़का बोलता है फिर मैंने मजाक में कहा। Did someone tell you a joke? क्या किसी ने आपको एक चुटकुला सुनाया? Did someone tell you a joke? फिर लड़का बोलता है मैंने मजाक में कहा। I said a joke. मैंने मजाक में कहा। I said a joke. फिर लड़की बोलती है अगर कोई और हंसता है तो उसे मजाक उड़ाना कहा जाता है। If someone else laughs, it is called a cracking a joke. अगर कोई और हंसता है तो उसे मजाक उड़ाना कहा जाता है। If someone else laughs, it is called a cracking a joke. यदि आप अपने आप पर हंसते हैं तो उसे पागल व्यक्ति कहा जाता है। If you laugh on your own, he is called a mad person. यदि आप अपने आप पर हंसते हैं, if you laugh on your own, तो उसे पागल व्यक्ति कहा जाता है। He is called a mad person. फिर लड़की पूछती है, ध्यान कक्षाएं कहाँ चल रही हैं? Where are the meditation classes going on? ध्यान कक्षाएं कहाँ चल रही हैं? Where are the meditation classes going on? फिर लड़का बोलता है, यहाँ क्लास खत्म हो गई है। The class is over here. यहाँ क्लास खत्म हो गई है। The class is over here. और बच्चों का पार्क विपरीत दिशा में है। एंड चिल्ड्रंस पार्क इज ऑन द अपोजिट साइड। जाओ गो। और बच्चों का पार्क विपरीत दिशा में है। एंड चिल्ड्रंस पार्क इज ऑन द अपोजिट साइड। जाओ गो। यह बच्ची को पार्क में जाने के लिए बोल रहा है। जाओ गो। फिर लड़की बोलती है किसी प्रश्न का उत्तर देना प्रतिक्रिया कहलाता है। आंसरिंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। यहाँ पर प्रतिक्रिया का मीनिंग रिस्पॉन्स से है। किसी प्रश्न का उत्तर देना प्रतिक्रिया कहलाता है। आंसरिंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। यदि आप बिना पूछे उत्तर देते हैं, इफ यू आंसर विदाउट बीइंग आस्क्ड, तो इसे बकवास कहा जाता है। इट्स कॉल्ड नॉनसेंस। यदि आप बिना पूछे उत्तर देते हैं तो इसे बकवास कहा जाता है। इफ यू आंसर विदाउट बीइंग आस्क्ड, इट्स कॉल्ड नॉनसेंस। फिर लड़का पूछता है तुम कौन हो। हु आर यू। मैं ध्यान। फिर लड़की बोलती है मैं ध्यान की छात्रा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मेडिटेशन। तुम कौन हो। हु आर यू। मैं ध्यान की छात्रा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मेडिटेशन। तुम अभी भी एक बच्चे हो। यू स्टिल आर अ किड। तुम अभी भी एक बच्चे हो। यू स्टिल आर अ किड। फिर लड़की बोलती है आप ध्यान। लड़का बोलता आप ध्यान करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू मेडिटेट।
तो लड़की बोलती है, क्या आपको ध्यान करने के लिए एक आयु वर्ग की आवश्यकता है? डू यू नीड एन एज ग्रुप टू मेडिटेट? आप ध्यान करना चाहते हैं? यू वॉन्ट टू मेडिटेट? क्या आपको ध्यान करने के लिए एक आयु वर्ग की आवश्यकता है? डू यू नीड एन एज ग्रुप टू मेडिटेट? गो, जाओ, वहां कक्षाएं चल रही हैं। क्लासेस आर गोइंग ऑन देयर। जाओ, गो, वहां कक्षाएं चल रही हैं। द क्लासेस आर गोइंग ऑन देयर। उसने इसे बनाया है। शी हैज मेड इट। उसने इसे बनाया है। शी हैज मेड इट। हाय, मैं निकिता हूँ। हाय, आई एम निकिता। आप मुझे निक्की कह सकते हैं। आई एम निकिता, यू कैन कॉल मी निक्की। हाय, नमस्ते। मैं ललिता की दोस्त हूँ। आई एम ललिताज फ्रेंड। राइट, आई एम ललिताज फ्रेंड। उसने मुझे सूचित किया था। दूसरी लड़की बोलती है, शी हैड इन्फॉर्म्ड मी। उसने मुझे सूचित कर दिया था या फिर किया था। शी हैड इन्फॉर्म्ड मी। हाँ, आप उसके बॉस की बेटी हैं। यस, यू आर हर बॉस डॉटर। यस, यू आर हर बॉस डॉटर। हाय, मैं जानवी हूँ। छोटी लड़की बोलती है, हाय, मैं जानवी हूँ। हाय, आई एम जानवी। लघु के लिए जानू, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलेंगे तो लघु, हिंदी वर्ड यूज करते हैं लघु, लघु के लिए जानू। हाय, आई एम जानवी, जानवी फॉर शॉर्ट। मैं आपके सत्र का पहला छात्र हूँ, पहली छात्रा हूँ बोल सकते हैं। I am the first student of your session. Session का मतलब यहाँ पर शस्त्र से है। यहाँ पर शत्र जो वर्ड है हिंदी का, शत्र का मतलब सेशन से है। मैं आपके सत्र की पहली छात्रा हूँ। I am the first student of your session. वास्तव में, really? तो आप बहुत खास हैं। Then you are very special. वास्तव में, really? तो आप बहुत खास हैं। Then you are very special. Special. If you like the video, please like and share my video. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर आप और भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।